मौजूद हैं पंडित रविशंकर ज्योतिषाचार्य। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का पंचांग क्या कहता है। ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः। आज का पंचांग विक्रम संवत 2080 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि दिन बुधवार दिनांक 22 नवंबर 2023 नक्षत्र पूर्व भाद्रपद। और आज का जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा कुंभ राशि में स्थिर, सूर्योदय का टाइम सुबह 6:30 प्रातः, सूर्यास्त शाम को 5:13 सायं को। राहु काल का जो समय आज का है 12:30 से 1:30 तक का और दोपहर में, तो आप इस समय थोड़ा बचना चाहिए और सावधान रहें। जैसा कि हमने जाना कि आज का पंचांग क्या कहता है, अब हम पंडित जी से इसी कड़ी में जानेंगे कि राशिफल यानी कि मेष, वृषभ और मिथुन के सितारे क्या कुछ कहते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। आज का मेष राशि आपको अपने वाणी पर कंट्रोल करना है, साथ ही व्यवसाय की स्थिति में सुधार होगा। अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा था तो उसमें आज सुधार होने के योग हैं और आगे सुधार होगा। वाहन सावधानी से चलाएं, अगर वाहन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं ऐसे जातक वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। अपने किसी प्रियजन से आपकी भेंट हो सकती है जिससे आपका मन खुशहाल रहेगा। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को रोजगार में तरक्की के योग हैं, साथ ही आपको किसी सहकर्मी से सहयोग प्राप्त हो सकता है और निवेश सोच समझकर करें आप। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आज थोड़ा अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, साथ ही आपको नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं और आप कार्य को कुशलता से करेंगे तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप हो सके तो आज गाय को हरा चारा खिलाएं और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। अब इसी कड़ी में आगे हम पंडित जी से जानेंगे कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के सितारे क्या कुछ कहते हैं। देखिए कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, मन पर नियंत्रण रखें आप, साथ ही परिवार से शुभ समाचार मिल सकता है और आप आज कोई मांगलिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी आज आपकी बढ़ेगी। अगली राशि की रुख करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए प्रमोशन के योग हैं, अगर आप नौकरी जातक ऐसे जातकों के आज प्रमोशन के योग हैं, आपको सरकारी कार्यों में लाभ भी मिल सकता है, साथ में व्यवसाय में आपको विस्तार हो सकता है, प्रसन्नता का माहौल रहेगा आपके परिवार में और आपके मन में, तो आप उसका आज के दिन आनंद लें। अगली राशि की बात करते हैं कन्या राशि। करियर में तरक्की के योग हैं, व्यवसाय में विशेष लाभ होने के योग आज बन रहे हैं, मन में बस शांति रखें, ज़्यादा उतावलेपन का शिकार ना हो या उत्तेजित ना हो, साथ ही आप अपने निवेश पर थोड़ा ध्यान रखें, अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसका ध्यान रखें। तो चलिए आगे हम जानते हैं पंडित जी से कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के सितारे क्या कुछ कहते हैं। आज तुला राशि वालों के लिए मन में बहुत उत्सुकता का वातावरण रहेगा, साथ ही आप किसी नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं और कुछ उच्च स्तरीय व्यक्तियों से भी आपको लाभ के योग आज के दिन बन रहे हैं। अगली राशि की बात करें आठवीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए शत्रुओं से परेशान हैं तो आज परास्त हो सकते हैं, अचानक आपको यात्रा के योग बन रहे हैं, साथ ही धन लाभ के योग हैं, लेकिन आज आप थकान भी महसूस करेंगे जिससे आपका मन थोड़ा नकारात्मक रहेगा। अगली राशि की बात करें धनुराशि। धनुराशि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने की इच्छा रखते हैं या आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आज अच्छा दिन है आपके लिए और आप फिजूल खर्ची से बचे, साथ ही भगवान में आस्था बनाए रखें तो आपका जल्द ही कल्याण होगा। अब इसी कड़ी में आगे हम जानेंगे पंडित जी से कि मकर, कुंभ और मीन राशि के सितारे क्या कुछ कहते हैं पंडित जी। अगली राशि की बात करें मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, आपको धन लाभ के प्रबल योग हैं और कार्य में भी आपको सावधानी बरतनी है, साथ ही आपको अगर हड्डियों से संबंधित दिक्कत
हो सकती है या हो रही हो तो उसका विशेष ध्यान रखें। अगली राशि कुंभ राशि, मानसिक तनाव बना रहेगा, कार्य करने से पहले सोच समझ ले, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। साथ ही आपको आज के दिन आप कोई भी कार्य करें तो उसको विशेष ध्यान रखें तो आपके कुछ लाभ हो सकता है। अगली और अंतिम राशि की बात करें मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन चारों तरफ से धन लाभ के योग हैं, कार्य में सफलता मिलेगी, किसी अपने से आपको मदद भी प्राप्त होगा, उससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और भगवान के प्रति आपकी आस्था भी बढ़ेगी। तो पंडित जी से हम जानते हैं कि आज का दिन पंडित जी किस राशि के लिए कितना खास होने वाला है। देखिए आज जो है मेष राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए और आपके कन्या और तुला राशि वालों के लिए अच्छा है। आपको आज के दिन मकर कुंभ राशि वालों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है, साथ ही वृश्चिक राशि वाले भी थोड़ा सावधान रहें तो आज के लिए उनका कार्य कुशलता के साथ। तो चलिए आगे हम पंडित जी से जानते हैं कि आज के दिन का विशेष क्या है। देखिए आज के दिन का जो विशेष है, आज गणपति बप्पा का दिन होता है, बुधवार, बुध का कारक होता है, बुद्धि के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, तो आपका अगर आपके कुंडली में बुध कमजोर या निर्बल अवस्था में विराजमान है, अस्त का है, नीच का है, तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको आज के दिन गणेश जी को 11 दुर्वा अर्पित करें, साथ ही आप गाय को हरा चारा खिलाएं तो आपके लिए लाभ के योग रहेंगे। साथ ही अगर आप हो सके तो बुधवार के दिन ओम बुद्धाय नमः का एक माला जाप कर लें, हर बुधवार के दिन अगर आपके कुंडली में बुध निर्बल या नीच का है तो आपके लिए लाभ करेगा, और आपके व्यापार कर रहे हैं तो जरूर आपको ये लाभ करेगा और आपका व्यापार दिन रात बढ़ता रहेगा। पंडित जी ईमेल के माध्यम से हमारे पास एक सवाल आ रहा है, सवाल है स्वाति का और उनकी जन्म तिथि है 11 नवंबर 1993 और जन्म का समय है सुबह 4:50 का, और स्वाति की ये समस्या है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और वो जिस कार्य में अपना हाथ डालती हैं वो गलत ही हो जाता है, तो स्वाति के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए इनकी जो कुंडली बन रही है, आप जो डिटेल बताए हैं इस हिसाब से इनका जो तैयार हो रहा है वो इनकी धनु लगन और मकर राशि है। तो धनु लगन मकर राशि, धनु लग मतलब लग्नेश के स्वामी गुरु हैं जो अपने इनके कुंडली में अस्त के हैं, तो इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इन एकाग्र नहीं हो पाती होंगी, इनका जो याददाश्त होती होगी उसमें भी कमी है, इसलिए इनको गुरुवार का विशेष उपाय करें, क्योंकि इनका लग्नेश है और इनको शिक्षा में अगर अच्छी सफलता पानी है तो गुरुवार का उपाय करें। बृहस्पतिवार के दिन आप चने की दाल गुड़ गाय को खिलाएं, केला ना खाएं, और केले के वृक्ष पे जड़ पे आप लोटे में चने की दाल गुड़ किशमिश और पीला चंदन डालकर, पीला पुष्प डालकर उस पर अर्पित करेंगी, ओम बृहस्पति नमः का जाप करते हुए, तो आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपकी जो भी इच्छाएं होंगी उसकी पूर्ति होगी। धन का भी कारक होता है आपको, और साथ ही आस्था का मतलब धर्म का भी कारक होता है, तो गुरु आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा और आपका धन के प्रति आस्था भी बढ़ेगी, पूजा पाठ ध्यान से करेंगी। अभी क्या होता होगा कि आप कोई भी पूजा पाठ में बैठती होंगी तो मन आपका कहीं और रहता होगा और तन केवल वहां रहता होगा, तो इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा तो आपको कार्य में सिद्धि मिलेगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दी गई मेल आईडी पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं और पंडित जी से अपने राशिफल के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में आगे हम पंडित जी से जानेंगे कि किस राशि के लिए कितना अनुकूल है आज का दिन। पंडित जी जी आज देखिए तो कुंभ, मकर और वृश्चिक राशि वालों के लिए सावधान रहना होगा, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। शेष राशियों के लिए मिला जुला समय है और आप
अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे। आज के अपने खास प्रोग्राम समय चक्र में हमने पंडित जी से जाना कि किस राशि के लिए आज कौन सा दिन कितना अनुकूल है, कौन सी राशि में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपने प्रोग्राम अपने दैनिक कार्यक्रम को लेकर हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।